ज्यादा धम्म ग्रंथ पढ़ने के बावजूद भी अगर पालन नहीं करते तो उसका कोई फल नहीं है। थोड़ा ही क्यों ना हो, धम्म ग्रंथ पढ़ के तदनुसार आचरण करते हैं तो सही रूप में अच्छा परिणाम आता है। ये उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दो मित्र भिक्षुओं के कारण श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में ये दो अनमोल उपदेश देते हैं। बहुं पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होति न रूपमत्तो गोपो वगावो गणयं परेशं न भागवा सामान्यस होति। चाहे कोई भले ही बहुत से धम्म ग्रंथों का पाठ करे किंतु प्रमाद के कारण यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो दूसरों की गौवे गिने वाले ग्वालों की तरह वो श्रमणत्व का भागी नहीं होता। साधु, साधु, साधु। अपं पिचे सहितं भासमानो तम्मस होति अनुधम्मचारी रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानु सुविमुक्तचित्तो अनुपादियानु इदवाहुरंग्वा सभागवा सामान्यस्स होति। यमक वग्गो पथमो नित्तितो। चाहे कोई भले ही थोड़े धम्म ग्रंथों का पाठ करे किंतु धम्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है तो राग द्वेष और मोह को छोड़कर संप्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर इस लोक या परलोक में कुछ भी आसक्त न करता हुआ श्रामणत्व का भागी हो जाता है। साधु, साधु, साधु।